अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर भी जो इस वक्त की हमें मिल रही है भोपाल से ही मिल रही है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए नामांकन भरे जाएंगे। तो आज से 16 अक्टूबर तक नामांकन भरने की तारीख है और आज नामांकन जमा करने की अधिसूचना भी जारी होगी। तो आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, 16 अक्टूबर तक भरे जाएंगे और 3 नवंबर का मतदान होगा। 10 नवंबर को वो दिन जिसका दोनों ही पार्टियां बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, यानी परिणाम, चुनाव परिणाम, नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। लेकिन आज से उपचुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे और नामांकन जारी करने की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। और सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, हालांकि उपचुनाव को लेकर तैयारियां तो दोनों ही पार्टियों ने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन ये मान लीजिए कि शायद आज से वो दिन शुरू होने जा रहा है जिसको लेकर दोनों पार्टियां इंतजार कर रही थी। आज नामांकन भरे जाएंगे और 10 नवंबर वो दिन जिसका सभी बेसब्री से, यानी कि दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल जया, 10 नवंबर का तो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उसके पहले 3 नवंबर को जो मतदान होना है उसकी तैयारियां जोरों पर है। आज से मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के निर्वाचन के लिए नामांकन अधिसूचना जारी हो जाएगी और आज से लेकर 16 तारीख तक अभ्यर्थी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसके पहले जो नामांकन प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, आज से आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी हो जाएगी और नामांकन दाखिल करने के लिए कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था की है। प्रत्याशी के साथ केवल 2 लोग ही जाकर अधिकारी के सामने अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया चूंकि शुरू की गई है, गाड़ियों के काफिले की संख्या में भी कमी की गई है और जो आचार संहिता के अंतर्गत आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं वो तमाम सख्ती से उनका पालन हो सके, इस बात को लेकर भी निर्वाचन आयोग सख्त है। तमाम जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आचार संहिता के उल्लंघन के अब मामले चूंकि अभी फिलहाल आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो इसके बाद प्रशासन की भी सख्त तौर पर निगाहें रहेगी कि कहीं आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से तमाम नेताओं को भी शायद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो प्रत्याशी है उनके साथ एक एक मिनिस्टर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है या तमाम आला नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप उनके साथ जाएंगे नामांकन प्रक्रिया में। बिल्कुल, बीजेपी ने क्लस्टर वाइज विधानसभाओं के लिए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है और 2 विधानसभा को मिलाकर या मिलाकर आसपास ऐसा है तो वहां पर क्षेत्र में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान प्रदेश स्तर का एक बड़ा नेता नामांकन दाखिल करने के समय मौजूद रहेगा। हालांकि कुछ प्रत्याशी ये ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करेंगे और बाद में अपना फॉर्म सबमिट करने निर्वाचन कार्यालय पहुंचेंगे। इन सब के बीच में एक दिन पहले जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है, पहले 100 लोगों की सभा करने की अनुमति थी, लेकिन अब ये साफ कर दिया है कि भीड़ कितनी भी हो लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोरोना के से बचाव के लिए जो जरूरी नियम है उसका पालन करना बेहद जरूरी होगा। हालांकि ये खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी मंगलवार यानी 13 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहते आ रही है कि मंगलवार को अधिसूचना जारी हुई है, मंगलवार को मतदान होना है और तमाम तरह की अलग अलग बातें हैं। तो अब तक जो जानकारी मिलकर आ रही है, हमारी तकरीबन 6 से 7 ऐसे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिनसे चर्चा हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वे मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगे 13 तारीख को। बीजेपी के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की जानकारी भी जल्द सामने आएगी। बिल्कुल, लेकिन मंगल
बुधवार को जब नामांकन दाखिल किया जाएगा और मंगलवार को जब परिणाम आएंगे किसका मंगल होगा ये मंगलवार को पता चल जाएगा आशीष जी। लेकिन फिलहाल आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया से शुरू हो जाएगी, 8 से 16 अक्टूबर तक ये चलेगी और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी के तमाम आला नेताओं को भी सौंपी गई है।